तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है गोभी की पकौड़ी जो है कोटा दशहरा के अंदर काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेवरेट ये होती है लोगों की। ये यहाँ पर जो है वो हाथी जाम लगा हुआ है, ये पूरा काला जाम जो होता है ना वो पूरा लगा हुआ। फूड मार्केट के अंदर जो है वो पाटक कैटर्स वालों की शॉप भी लगी हुई है काफ़ी जो है वो। इधर की तरफ भी देखोगे ना तो न्यू बॉम्बे फास्ट फूड अलग अलग जो है आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी चारों तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। कोटा का 131वां राष्ट्रीय दशहरा मेला चल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोटा दशहरा का फूड मार्केट दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कोटा दशहरा मेला के अंदर फूड मार्केट में जो है जय जिनेंद्र वालों की शॉप लगी हुई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा आइटम मिल जाएंगे खाने को। चलिए देखते हैं। तो साबूदाने की खिचड़ी से मतलब रस से फास्ट से संबंधित जो सारी चीज़ें होती है ना वो तो सारी मिल जाएगी। देखो थोड़ा सा अंदर चल के दिखाता हूँ आपको क्या मिल रहा है। मेन्यू लगा हुआ है और मेन्यू में आपको दिखा दिया मैंने यहाँ से। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो तो दोस्तों देख सकते हैं इस शॉप पर आपको पानी पूरी और यहाँ पर जो है पाव भाजी बनाई जा रही है। देख सकते हैं जैसा कि आप पाव भाजी काफ़ी टेस्टी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्पेशल जो होता है वो साबूदाने की टिक्किया बनाई जाती है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और आगे जो है डोसा और सब कुछ यहाँ पर आपको खाने के लिए मिलने वाला है, तो आप आइएगा और आनंद लीजिए खाने का। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं और कौन कौन सी शॉप लगी हुई है। तो दोस्तों अगली जो शॉप है वो देख सकते हैं महेश्वरी कैटरर्स, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर सारी जो है वो मिल जाएंगे। पढ़ सकते हैं आप मेन्यू यहाँ पर, देख सकते हैं चिली पनीर, वेज मंचूरियन, डोसा, मसा, मतलब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोमोज़ की भी काफ़ी वेराइटी देखने को मिलने वाली है। कोटा दशहरा के अंदर काफ़ी संख्या में आपको अलग अलग प्रकार के खाने देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन कौन अभी मेले में जा चुके हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अगली जो शॉप है वो है पन्नालाल पकौड़े वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध। यहाँ पर गोभी के पकौड़े मिलते हैं। दोस्तों गोभी के पकौड़े जो हैं वो वैसे भी कोटा दशहरा मेले की शान है। यहाँ पर जो भी आता है वो गोभी के पकौड़े ज़रूर टेस्ट करता है। तो आप भी कोटा दशहरा के अंदर आएँ तो गोभी के पकौड़े ज़रूर टेस्ट करिएगा, काफ़ी टेस्टी होते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी गुलाब जामुन, हाथी जाम सभी मिल रहे हैं। देख सकते हैं कितनी संख्या में पब्लिक यहाँ पर खाने के लिए आई हुई है। चलिए आगे भी आपको शॉप दिखाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कोटा दशहरा के अंदर जो है वो बड़ी संख्या में आपको सुपर सॉफ्टी देखने को मिलने वाली है। सॉफ्टी जो होती है वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है गोभी की पकौड़ी जो है कोटा दशहरा के अंदर काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेवरेट ये होती है लोगों की। और ये यहाँ पर शानदार मिल रहा है माहौल। ये देखो ये सारी गोभी की पकौड़ी, और ये जो मैं आपको दिखाता हूँ देखो ये यहाँ पर जो है वो हाथी जाम लगा हुआ है, ये पूरा काला जाम जो होता है ना वो पूरा लगा हुआ है। और बढ़िया जो है चल रही है मामला, ये देखो इधर पूरा है। और इधर देखो ये छोटी वाला रेस्टोरेंट जो है, छोटी वाला रेस्टोरेंट के पास में जो है सारे लगे हुए हैं। इधर की तरफ देखो ये जो है वो फास्ट फूड वाला है सामने। यहाँ पर भी काफ़ी पब्लिक है, देखो सारी इधर से लगी हुई बैठे हुए हैं सारे। सीटिंग वीटिंग फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। और सामने की तरफ जो है वो फास्ट फूड वाला और सारा जो है सेक्शन लगा हुआ है। देखो मैं आपको सामने दिखाता हूँ, सामने की तरफ जो है वो छोले भटूरे उनकी सबकी लगी हुई है, शानदार एक से एक दुकानें लगी हुई। चलो बढ़िया। कितने का ये? तो फ्रेंड देखो 80 रुपये का है। भैया के पास काफ़ी सारे खिलौने, अभी हम आपको कोटा दशहरा का जो पूरा वीडियो दिखा रहे हैं पूरा फूड मार्केट के अंदर। ये देखो सारा लगा हुआ है पूरा द फूड कॉर्नर और छोटी वाला रेस्टोरेंट के यहाँ पर लगी हुई सामने से। काफ़ी संख्या में जो पब्लिक है इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी। ये देखो सारे जो है नेकलेस मिल रहे हैं इधर, खिलौने मिल रहे हैं बच्चों के। और आगे की तरफ देखेंगे तो आगे भी काफ़ी संख्या में जो पब्लिक आ रही है देखो। तो दोस्तों देख सकते हैं श्री श्याम फूड्स, यहाँ पर भी काफ़ी सारी वेरायटी मिल रही है आपको खाने को। देखो दुकान नंबर भी लिखा हुआ है और जो काफ़ी संख्या में पब्लिक अंदर चेक करो। चलो आपको आगे ले चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं। देखो शानदार ऊपर लगा हुआ है बलून, आपको आगे ले चलते हैं। इतनी ज़बरदस्त माहौल हो रहा है, तगड़े आ जाओ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर फूड मार्केट के अंदर जो है वो पाटक कैटर्स वालों की शॉप भी लगी हुई है, काफ़ी जो है वो फेवरेट मतलब बोल सकते हो फेमस शॉप बोल सकते हो इसको कोटा की। और काफ़ी सारे आइटम्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपको दाल बाफले की जो है वो सारी मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई देखो इधर। देखो मैं काउंटर दिखाता हूँ आपको मतलब लेने का जो फूड वाला। देखो शानदार अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, पब्लिक काफ़ी संख्या में पब्लिक बैठी हुई देखो अंदर की तरफ। और ये सामने जो इधर की तरफ लग रहे हैं इधर की तरफ भी काफ़ी संख्या में पब्लिक है देखो। और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो काफ़ी शानदार माहौल।
क्या। तो दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली के मशहूर मोमोज डिजाइन डिपाइन फास्ट फूड काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा हूँ मामला। देखो सामने नई दुकान लगी हुई है और यहाँ पर ये सारे जो है वो आए हुए हैं देखो ठेले वाले और सारे मैंने आपको दिखाई ये ज़बरदस्त हो रहा मामला था। देखो ये सौंप और मतलब सारी कमर दर्द और ये सब बता रखा है हिंगड़ा और ये देखो इधर भी जफ्फी वाला है और इधर की तरफ जो है काफ़ी सारे खाने का ले आ जाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये मटका कुल्फी है उज्जैन की प्रसिद्ध मटका कुल्फी। इस बार कोटा दशहरा मेला में आइए आप देख सकते हैं उज्जैन फेमस मटका कुल्फी। दोस्तों इसी प्रकार से अलग अलग जो स्टेट से काफ़ी सारी शॉप आती है कोटा दशहरा मेला के अंदर फूड की, तो हम आगे भी आपको शॉप दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखो यहाँ पर ये नसीराबाद का कचौरा लगे हुए हैं लवी सुपर सॉफ्ट, ये फूड मार्केट का आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, और इतनी काफ़ी संख्या में पब्लिक है देखोगे ना। तो न्यू बॉम्बे फास्ट फूड अलग अलग जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक हो रही है। देखो ये सामने इधर देखो इंदौरी मटका कुल्फी और सॉफ्टी, इंदौरी मटका कुल्फी की सॉफ्टी इधर की तरफ जो देखो सुपर सॉफ्टी। तो दोस्तों इंदौर और उज्जैन की कुल्फी किस किस ने खाई है मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा। तो फ्रेंड देखो अभी ये वाला जो है वो मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, यहाँ के जो ठेला व्यापारी उनसे बात करके ये देखो राज कॉफ़ी ये देखो भाई भेज रहा है यहाँ गुड़िया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर राज सुपर सॉफ्टी और ये जो है शानदार हो रहा माहौल पूरा तगड़ा हो रहा है इधर सॉफ्टी वाले और बेल्ट वाले और काफ़ी कुछ आपको जो है दशहरा मैदान के अंदर देखने को मिलने वाले। और काफ़ी ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गुड़िया लगी हुई सामने की तरफ, काफ़ी संख्या में जो है पब्लिक हो रही है चारों तरफ जो है वो अभी तो ये जो चारों जो मार्केट है ना सारे मतलब फूड मार्केट झूला मार्केट खिलौना मार्केट सारों में ही भीड़ हो रही है अभी। देखो ये यहाँ पर नेकलेस लगे हुए हैं और सारे शान ये देखो ये छोटे छोटे खिलौने हैं और ये सामने की तरफ भी देखो स्वाद फूड कॉर्नर। तो दोस्तों देख सकते हैं माता अन्नपूर्णा बाज़ार स्वाद फूड कॉर्नर और यहाँ पर जो आपको चाउमीन और ये सब मिल जाएगी। देखो सामने की तरफ लगा हुआ है और सामने आती जहाँ हम गोभी के पकौड़े छोले भटूरे और सारी जो लगी हुई है इधर के पास में फूड मार्केट में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखो सुपर सॉफ्टी लगी हुई है शानदार। और चलो आगे दिखाते हैं कौन कौन सी जो है वो आपको जो है वो सारी शॉप देखने को मिलती है। देखो मैं दिखाता हूँ आगे, ये देखो आगे की तरफ चलेंगे ना तो ये देख सकते हैं सामने की तरफ जो है वो फूड मार्केट में ये दुकान भी लगी हुई है मोहन चाट सेंटर, जिसकी मतलब टिकिया जो होती है आलू की वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और सामने देखो मोहन चाट ध्यान किधर है सेंटर इधर है, वाह भाई साहब बढ़िया मतलब तगड़ा हो रहा है माहौल तो लगे आज तो मतलब गजब हो रही है शेर पंजाब और सब लगी हुई है इधर। देख सकते हैं पब्लिक देखो आप पब्लिक चेक करो कितनी सारी है और भैया जो है कितनी स्पीड से काम करते हैं क्योंकि गर्मा गर्म निकलता है और गर्मा गर्म निकलने के बाद जो है वो पब्लिक को मतलब दिया जाता है। देखो काफ़ी संख्या में पब्लिक के सामने इधर की तरफ भी दिखाओ आप मतलब नसीराबाद का जो है कचौरा यहाँ पर जो मिलता है जैसे काफ़ी सारे नाम है बट ये ओरिजिनल यहाँ पर जो है वो मिलता है सारे भैया लोग अपने पब्लिक जो है वो इतनी मतलब आती है स्पीड से काम करना पड़ता है यहाँ पर है ना। देखो ये सारे भैया लोग अपने इधर भी इधर सारे जो है वो भैया लोग अपने सारे लगे हुए हैं काफ़ी मेहनत का काम है मतलब काफ़ी समय लगता है इन सब चीज़ों में इसलिए पब्लिक को अच्छा मिले। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर छोले भटूरे हाथी जाम गोभी के पकोड़े और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खाने को मिलने वाली है। तो आप कोटा दशहरा में आइए और आनंद लीजिए और जो जो जा चुका है और मुझे कमेंट करिए बताइए कौन कौन ने क्या क्या खाया है आप देख सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।